आज की वीडियो में हम आपको बिटकोफाल एचबी कैप्सूल के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंपोजिशन, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको बिटकोफाल एचबी कैप्सूल के बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो बिटकोफाल एचबी कैप्सूल, इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो 159 रुपये इसकी मार्केट प्राइस है और यह 10 कैप्सूल का एक स्ट्रिप आता है। इसकी जो मार्केट प्राइस है समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसके कंपनी की बात करें तो इसको एफडीसी लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो कि बहुत ही मशहूर कंपनी है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। तो इसमें आयरन, फोलिक एसिड और ग्लाइसिन होता है। इसके प्रत्येक कैप्सूल में आयरन जो कि 30 mg में होता है, फोलिक एसिड जो कि 250 mcg में होता है और ग्लाइसिन जो कि 10 mg में होता है। तो आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में, इस कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो यह एक बहुत ही बेहतरीन कैप्सूल है जिसका इस्तेमाल खून की कमी यानी कि एनीमिया को ठीक करने के लिए किया जाता है और कमजोरी के कारण हाथों पैरों में दर्द होना, झुनझुनाहट महसूस होना, इसके अलावा थोड़ा सा काम करने पे आलस आना या चक्कर आना, इन सबको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो शरीर कमज़ोर हो गया हो, खून की कमी हो गई हो, तो उसे पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको इस्तेमाल करने से भूख भी अच्छी तरह से लगती है और वज़न भी बढ़ता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मुँह में छालों को ठीक करने के लिए किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में खून की कमी जो हो जाती है तो उसको पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको इस्तेमाल करने से महिलाओं में खून की कमी पूरा होती है और बच्चे का विकास भी अच्छी तरह से होता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान भी यह बहुत ही लाभदायक है। तो यह सब इसके यूजेज हैं। आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में, बिटकोफाल एचबी कैप्सूल को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस कैप्सूल का जो नॉर्मल डोज होता है एक एडल्ट के लिए, तो वह इसको एक कैप्सूल दिन में एक बार ले सकते हैं और इसको रात में खाना खाने के बाद लेना चाहिए। इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और आइए जान लेते हैं बिटकोफाल एचबी कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट जी मचलाना, उल्टी होना, इसके अलावा दस्त हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है या शरीर में दर्द हो सकता है और स्टूल का कलर चेंज हो सकता है। तो यह सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी बिटकोफाल एचबी कैप्सूल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।